here is another lecture uh, on the endocrine um, system, and in this lecture we will study about the hypothalamus and the hormones which are secreted by the hypothalamus. So far we have just finished hypothalamus. We have finished the definition of the hormones. We have finished the class chemical classification of the hormones. Now we will move towards the organs and the endocrine glands which are producing the different types of the hormones. Now the first here is the hypothalamus.

तो उसी डायनसेफलॉन जो फोरब्रेन का हिस्सा है उसी के बेस पर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम हाइपोथेलमस कहते हैं तो पहले ही मैं लिखूंगा इसकी जो लोकेशन है वो एट द बेस ऑफ डायन सेफलॉन है और ये डायन सेफलॉन जो है ये डायनसेफलॉन किसका पार्ट है फोरब्रेन का पार्ट डायनसेफलॉन ऑफ ब्रेन ठीक है अब ये जो हाइपोथैलेमस है अब हाइपोथैलेमस ये एक ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है इट इज नॉट ए ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड इसीलिए हम हमने इसको नाम दिया है न्यूरो एंडोक्राइन क्राइन स्ट्रक्चर तो हाइपोथैलेमस इज नोन एज न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर लेकिन ये ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है बट नॉट ए ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बट नॉट ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड तो ये एक ट्रू एंड्राइन ग्लैंड नहीं है ट्रू एंड और जो हाइपोथल है, है, से जो सेक्रीशन निकलती है जो हारमोन्स निकलते हैं उन सेक्रीशंस को हम क्या कहते हैं न्यूरो हॉर्मोन्स तो न्यूरो हॉर्मोन्स आर सिंपली द हार्मोन सिंपली द सेक्रीशन विच आर प्रोड्यूसड विच आर सेक्रीटेड बाई द हाइपोथेलमस अब जो ये न्यूरो हॉर्मोन्स जो कहाँ पर बनते हैं जो बेसिकली जो बन जाते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में जो हाइपोथैलेमस हाइपोथैल हाइपोथेलमिक न्यूरो हाइपो थैलमिक क्योंकि ये नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है हाइपोथैलेमस तो हाइपोथेलमिक न्यूरोन्स में ये जो हॉर्मोन्स बनते हैं ये हारमोन फिर थ्रू द एग्जो ये हारमोन फिर थ्रू द एग्जोनस रिलीज हो जाते हैं थ्रू एग्जॉन्स पास ये पास हो जाते हैं जब हाइपोथैल न्यूरॉन्स में जो हारमोन्स हैं वो पास हो जाते हैं कहाँ थ्रू एग्जॉन्स तो ये पास हो जाते हैं थ्रू एक्स जब ये पास हो जाते हैं थ्रू द एग और ये फिर रिलीज हो जाते हैं दैट मीन uh, है, वहां से ये रिलीज हो जाते हैं नर्व एंड नर्व एंडिंग से ये रिलीज हो जाते हैं ठीक तो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स जो, 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 जो न्यूरो थाले से तो कहा के थ्रू कैसे पास हो जाते हैं थ्रू ये पास हो जाते हैं थ्रू द एग्जोन्स और जब ये पास होते हैं थ्रू द एग्जॉन्स उसके बाद ये एग्जॉन के टर्मिनल एंड्स दैट मीनस वो नर्व एंड्स जो बनाते हैं वहां से ये रिलीज हो जाते हैं अब जो ये हारमोन्स है ये हार्मोन्स फिर कहाँ पहुंच जाते हैं ये जो हारमोन ने रिलीज किए ये हार्मोन्स फिर पहुंच जाते हैं पिजिटरी ग्लैंड पर कहा पहुंच जाते हैं पिजिटरी ग्लैंड तो ये पहुंच जाते हैं पिजिटरी ग्लैंड कैसे पहुंच जाते हैं थ्रू ए पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम याद रखना है यहां पर थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम तो पोटर सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ये कहां तक पहुंच जाते हैं ये पहुंच जाते हैं पर और ये रेगुलेट करते हैं फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिजिटेरी ग्लैंड एंड दे रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिजिटेरी ग्लैंड तो एंटीरियर पिजिटरी ग्लैंड के ये फंक्शंस क्या करते हैं फिर ये कंट्रोल करते हैं तो जो भी हारमोन्स हाइबोथल से निकलते हैं एग्जॉन्स के थ्रू वो पास हो जाते हैं जो नर्व एंडिक्स होती है एग्जॉन्स की तो वहां से वो जाके थ्रू द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम वो जाते हैं द ग्लैंड और वो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं या कंट्रोल करते हैं एंटीरियर पिजिटरी ग्लैंड की सेक्रेशन ठीक है जो फंक्शन एंटीरियर पिजटरी ग्लैंड करते हैं उनकी फंक्शन को वो कंट्रोल करते हैं जो पोस्टीरियर पिजिटरी है पोस्टीरियर पिजिटेरी डायरेक्ट है किसके अंडर वो डायरेक्ट कंट्रोल है न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस वो डायरेक्टली इन कंट्रोल है विद मींस वो डायरेक्टली नर्व नर्व कनेक्शन है, वो जो पोस्टीरियर पिजटेरी है पोस्टीरियर पिजटेरी जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल है डायरेक्टली डायरेक्ट अंडर नर्व कंट्रोल नर्व कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस तो नर्व कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस जो है तो जो पोस्टीरियर पिजटेरी है डायरेक्ट नर्व कंट्रोल दाइपोलमसा दंट्रोल है तो वो है एंटीरियर पिजिटरी ग्लैंड एंटीरियर पिजिटरी ग्लैंड हारमोनस के जरिए उसकी फंक्शन कंट्रोल होती है बाई द हाइपोथैलमस वायल एज पोस्टीरियर पिजिटरी है इसको ये डायरेक्टली कंट्रोल हो जाता है डायरेक्ट नर्वस बाई डायरेक्ट नर्वस फ्राम द हाइपोथेलमस तो यह अंडर डायरेक्ट नर्वस नर्व कंट्रोल है ऑफ द हाइपोथैलमस हारमोन जो हाइपोथेलमस से निकलते हैं इन हारमोनस को बेसिकली हम रिलीजिंग फैक्टर्स कहते हैं mm -hmm. क्योंकि डिपेंडिंग ऑन देअर एक्शन जो ये हारमोनस है इनको हम रिलीजिंग हारमोन्स कहते हैं तो नीरो हारमोन्स uh, तो नीरो हार्मोन्स जो सिंपली हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस है इनको हम क्या कहते हैं रिलीजिंग फैक्टर्स तो क्यों कहा जाता है इनको रिलीजिंग फैक्टर्स डिपेंडिंग ऑन द एक्शन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्शन तो ऑन देयर एक्शन दे आर नोन एज रिलीजिंग हारमोन्स

ये इनहिबिट करते हैं gland, या तो ये स्टूमुलेट करें जो रिलीजिंग हारमोन है, है ये स्टमुलेट करते हैं इनहेबिटिंग इनहेबिटिंग फैक्टर्स में कहूंगा तो इनहेबिटिंग फैक्टर्स क्या करते हैं इनहेबिटिंग फैक्टर्स बेसिकली वो इनहेबिट inhibit, या इनहेबिटिंग हारमोन आर इन्हेबिट इनहेबिटिंग वो इनहिबिट करते हैं सेक्रेशन ऑफ पिटिटरी ग्लैंड ठीक है तो रिलीजिंग फैक्टर्स स्टिमुलेट करते हैं सेक्रेशन ऑफ द पिजिटरी ग्लैंड और इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो होते हैं वो इनहिबिट करते हैं सेक्रेशन ऑफ द पिजिटरी ग्लैंड हम यहां पर एग्जाम्पल ले लें कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स की फॉर एग्जाम्पल जो ह्यूमन गोनेडोट्रॉफिक या सिंपली मैं कहूंगा जो गोनेटेट्रॉफिक रिलीजिंग हारमोन है जी एन आर एच जी एन आर एच इसको हम रिलीजिंग कहते हैं तो ये गोनेडोट्रॉफिन रिलीजिंग हारमोन स्टिमुलेट करता है ग्लैंड को किसके लिए पिजिटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू सिंथेसाइज एंड रिलीज ऑफ गोनेडोट्रॉफिन तो ये पिजिटरी ग्लैंड पर क्या करेगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ परिजिटरी ग्लैंड है पिजिटरी ग्लैंड तो एंटीरियर पिजिटरी ग्लैंड को ये स्टमुलेट करेगा टू रिलीज द गोनेडो ट्रॉफिन हारमोन्स तो रिलीजिंग फैक्टर दैट मीन जे एन आर एच इज अ रिलीजिंग फैक्टर वो हाइपोथल से आता है और एंटीरियर पिजिटरी ग्लैंड को क्या करता है ये स्टमुलेट करता है टू रिलीज द गोनेडो हार्मोन्स इसी तरह ऑन द अदर हैंड मैं अगर कहूंगा मैं अगर ऑन द अदर हैंड ले लूंगा यहां पर सोमैटोस्टैटन सो मैटोटन तो सोमैटो स्टैटन क्या करता है सोमैटोस्टैटन कहां से रिलीज होता है ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और ये इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड तो ये एक इनहिबिटिंग हार्मोन है सोमैटोस्टैटन ये क्या करता है पिट्यूटरी ग्लैंड

कुछ था, हाइपोथरमिक हार्मोन्स होते हैं जिनको हम इनहिबिटिंग हार्मोन्स कहते हैं वो इनहिबिट करते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जांपल सोमैटो स्टैटन इनहिबिट करता है पिजटरी ग्लैंड को नॉट टू रिलीज द ग्रोथ हार्मोन ठीक यहां तक आया समझ चलिए अब यहां पर कुछ हार्मोन्स का हम जिक्र करते हैं जैसे कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है रिलीजिंग हार्मोन तो थायरोड्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन इसको हम सिंपली क्या कहते हैं थायरोड्रॉपिन रिलीजिंग फैक्टर भी इसको हम रिलीजिंग फैक्टर आरएफ एफ भी कहते हैं या इसको टी आर एच भी कहते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन टी आर एच और इट इज ऑल्सो नोन एज द थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर अब ये जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर है ये एक पेप्टाइड हार्मोन है हमने कल ही पढ़ा था पेप्टाइड हार्मोन तो ये एक पेप्टाइड हार्मोन है और ये पेप्टाइड हार्मोन स्टिमुलेट करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को और प्रोलैक्टिन को कहां से एंटीरियर पिजिटेरी से तो ये पेप्टाइड हार्मोन कहां पहुंच जाएगा ये एंटीरियर पिजिटेरी पर पहुंच जाएगा एंटीरियर पिजिटेरी पर पहुंच जाएगा और ये रिलीज कराएगा किन को prolactin को और ये थायराइड स्टमुलेटिंग हार्मोन को भी रिलीज कराएगा हारमोन तो एंटीरियर ग्लैंड से जो थाइड हारमोन और प्रोलेक्टिन हार्मोन निकलते हैं वो बेसिकली अंडर द इंफ्ल ऑफ टीआरएफ निकलते हैं था रिलीजिंग फैक्टर से जो हाइपोथम से आता है उसी के चलते वो निकलते हैं और जो ये था रिलीजिंग हारमोन है ये बेसिकली प्रोड्यूस होता है कहां से ये बेसिकली प्रोड्यूस होता है से और उसके बाद ये ट्रावल करता है तो लेकिन कहां से ये कैसे ट्रेवल करता, करता है तो रिलीजिंग जो फैक्टर है ये टी आर एच यहां पर मैं सिंपली इसको लगाऊंगा टी आर एच या टी आर एफ तो ये कहां से आता है ये हाइपो से आता है तो हाइपोथलमस से जब ये टी आर एफ या थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर या थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है जब निकलता है तो ये हाइपो फाइसी पोर्टल सिस्टम सिस्टम से वाया दिस सिस्टम कहां तक पहुंच जाता है ये पहुंच जाता है टुवर्ड्स तो द एंटीरियर पिजिटरी और वहां से किसको स्टमलेट करता है प्रोलैक्टिन और टी एस की सेक्रेशन को ये स्टमुलेट करता है अब दूसरा हार्मोन हम यहां पर निकल, निकलते हैं यहां पर देखते हैं दैट इज गोनेडो रिलीजिंग हार्मोन गोनेडो रिलीजिंग हार्मोन या फैक्टर तो गोनेडो ट्रोफिन रिलीजिंग हारमोन तो गोट्रोफिन रिलीजिंग इन हारमोन जो है ये कहां से आता है ये आता है तो जो रिलीजिंग हारमोन है ये कहां से आ गया, गया. हाइपोथैलेमस तो ने जीएनआरएच को रिलीज किया अब जीएनआरएच क्या है ये एक पैप्टाइड हारमोन सिंपली क्या है ये ये एक पेप्टाइड हार्मोन है पेप्टाइड हार्मोन और ये पेप्टाइड हार्मोन हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम के थ्रू कहां तक पहुंच जाएगा टूवर्ड द एंटीरियर पिजिटरी और एंटीरियर पिजिटरी से यह स्टमलेट करेगा किसकी सेक्रीशंस को गोनेड्रोट्रॉफिन हारमोन की जिसमें लेटनाइजिंग हारमोन और जिसमें फॉलिकुलर स्टमलेटिंग हारमोन एफ एस एच और एल एच की सेक्रीशन ये एंटीरियर पिजटरी ग्लैंड से करवाता है गनैंड्रोफिन रिलीजिंग हारमोन अब एक और हार्मोन की बात करेंगे हम जो हाइपोथैलेमस से आता है वह है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है इसको हम ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर भी कहते हैं इट्स ऑलसोन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर इसको हम ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर भी कहते हैं जीएचआर तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर या सिंपली जी आर एफ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर या जी एच आर एफ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर कहा जाता है और ये भी क्या है ये एक peptide hormone है। ये ये एक पेप्टाइड पेप्टाइड हार्मोन हार्मोन है है भी क्या है? ये peptide hormone है। और ये जो पेप्टाइड हार्मोन ये प्रोड्यूस कहां से होता है बाय द हाइपोथैलेमस से ही प्रोड्यूस होता है और ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है ये रिलीज होता है फ्रॉम क्रिटरी नर्व नर्व टर्मिनल्स जो न्यूरो सेक्रिटरी रिजन है जो जिसको नरव सेक्रिटरी uh, जो न्यूरो सेक्रिटरी नर्व टर्मिनल्स है वहां से ये सेक्रेट हो जाता है और कैरी हो जाता है हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम सर्कुलेशन के थ्रू टुवर्ड द एंटीरियर पेजिटरी ग्लैंड ठीक है तो ये हाइपोथैलमस से हाइपोथलमस ये हाइपोथैलमस से रिलीज होता है अब हाइपोथैलेमस मैंने कहा है कि हाइपोथैलेमस के किस रीजन से ये सेक्रेट हो जाता है फ्रॉम द न्यूरोसेक्रेटरी रीजन ऑफ हाइपोथैलेमस न्यूरोसेक्रेटरी रीजन न्यूरो सेक्रेटरी रीजन तो न्यूरोसेक्रेटरी रीजन ऑफ हाइपोथैलेमस से ये सेक्रेट हो जाता है और जब ये सेक्रेट हो जाता है तो ये ट्रांसफर हो जाता है ये कैसे ट्रांसफर हो जाता है हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम

GH, RH, तो यहां से ग्रोथ हार्मोन निकल जाएगा से. तो दैट मीन जी एन आर एच भी इसको क्या करता है करता इस ग्रोथ हार्मोन की एक्शन जो ग्रोथ, हार, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है या ग्रो, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है ये अपोज होता है दूसरे हाइपोथर्मिक हार्मोन से जो मैंने कहा था सोमैटो स्टैटिन तो सोमैटोस्टैटिन भी एक हाइपोथैलमिक हार्मोन है हाइपोथैलमिक हार्मोन और ये हाइपोथैलमिक हार्मोन किसको इनहिबिट करता है ये इनहिबिट करता है जीएनआरएच को तो जीएनआरएच को ये इनहिबिट करता है इसीलिए इस सोमैटोस्टैटिन को हम ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन कहते हैं ग्रोथ इनहबिटिंग हार्मोन भी कहते हैं या ग्रोथ हार्मोन इनहेबिटिंग हार्मोन भी कहते हैं तो सोमैटोस्टैटिन को हम ग्रोथ हार्मोन इनहेबिटिंग हार्मोन जी एच आई एच भी कहते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहेबिटिंग हार्मोन कहते हैं क्योंकि ये किसको को इनहेबिट करता है जी एच आर एच को ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को ये इनहेबिट करता है और जो सोमैटोस्टैटिन है ये एक पेप्टाइड हार्मोन है यहाँ पर मैं अभी तक जितने भी मैंने हार्मोन्स बोले वो क्या बोले हैं पेप्टाइड हार्मोन्स है तो ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है और ये जो पेप्टाइड हार्मोन है इसकी दो एक्टिव फॉर्म्स है तो सोमैटोस्टैटिन की दो एक्टिव फॉर्म्स है अब कौन कौन से इसकी दो एक्टिव फॉर्म्स है सोमैटोस्टैटिन तो सोमैटोस्टैटिन की दो एक्टिव फॉर्म्स है अब दो एक्टिव जो फॉर्म्स है एक तो है सोमैटोस्टैटिन 14 और दूसरी है सोमैटोस्टैटिन 28 सोमैटो स्टैटिन फोर्टीन और सोमैटो स्टैटिन ट्वेंटी एट तो ये दो एक्टिव फॉर्म्स है किसकी सोमैटो स्टैटिन की तो ये बेसिकली ये फोर्टीन ट्वेंटी एट ये किस पर बेस्ड है बेस्ड अपन द नंबर ऑफ द एमाइनो एसिड रिस्ट्रीड्यूस तो इसके साथ एमाइनो एसिड रिस्ड्यूस कितने अटैच है ऑन द बेस ऑफ दैट इसको नाम दिया गया है सोमैटो स्टैटिन फोर्टीन एंड सोमैटो स्टैटिन ट्वेंटी एट और <coughs> जो ये बोथ फार्मर्स है जो सोमैटो की बोथ एक्टिव फार्म्स है ये जनरेट होती है बाय प्रोटोलाइटिक क्लिवेज ऑफ प्रो सोमैटो तो पहले प्रो सोमैटो प्रो सोमैटो स्टैटिन होता है उसका क्या हो जाता है प्रोटियोलाइटिक क्लिवेज होता है तो प्रोटोलाइटिक क्लिवेज ऑफ प्रो वो देता है सोमैटो 14 फोर्टीन और सोमैटो 28 ट्वेंटी एट ठीक है और ये जो प्रो सोमैटो है ये खुद किससे डिराइव हुआ होता है ये प्रोसोमैटो स्टैटन से डिराइव होता है इट इज डिराइव फ्रॉम प्रि प्रो सोमैटो ठीक है तो प्रोसोमैटोस्टैटिन वो किस में चेंज होता है वो प्रोसोमैटोस्टैटिन में चेंज होता है उसके बाद प्रोटेलाइट क्लिवेज होती है और वहाँ से सोमैटोस्टैटिन फोर्टीन जो एक्टिव फॉर्म है और सोमैटोस्टैटिन ट्वेंटी एट जो एक्टिव दो फॉर्म है सोमैटोस्टैटिन की वो रिलीज हो जाती है ठीक है तो अब यहां पर अब यहां पर हम जो जो अगर सोमैटोस्टैटिन को हम इन कंपैरिजन टू

वो डिपेंड करता है अपन फॉर एग्जांपल सो जो है ये प्रडोमिनेट हो जाता है हाइपोथैलेमस और एंडोक्राइन पैनक्रियाज में एंडोक्राइन जो पैनक्रियाज है उनमें ये उनमें क्या हो है ये ये एबंडेंटली पाया जाता है ठीक है बट जो सोमैटोस्टैटिन 28 है इसकी जो एबंडेंस है इसकी एबंडेंस इंटेस्टाइनस में होती है तो इसकी एबंडेंस पैनक्रियाज पैन पें... पैनक्रियाज जो एंडोक्राइन पैनक्रियाज है होती है हाइपोथल और इसकी इंटेस्टाइन्स ठीक है लेकिन जो सोमैटो स्टैटन है ये बेसिकली क्लासिफाई हुआ है इनहेबिटरी हार्मोन और जिसकी मेन एक्शन क्या है ये इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन को ये इनिबिट करता है टीएसएच को थायराइड स्टूलेटिंग हार्मोन को यहां पर मैं इसकी थोड़ी सी फंक्शंस

गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हारमोन जो है ये इनको इनहेबिट करता है ठीक है और ये इनहेबिट करता है कि इनको पेनक्रियाटिक हारमोन जैसे इंसुलिन ग्लूकोगान इंसुलिन और ग्लूकोगान को ये इनहिबिट करता है और ये जीएचआरएच ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को क्या करता है सप्रेस करता है उसके इफेक्ट्स को अपोज करता है ठीक है अब है एक और हार्मोन जो यहां से है हाइपोथैलेमस से दैट इज नोन एज कॉर्टिकोट्रोपिन कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब कार्टो रिलीजिंग हार्मोन को हम या आप सी आर एच बोलो कार्डकोट्रोपेन रिलीजिंग हार्मोन या इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिन रिलीजिंग फैक्टर सी आर एफ ठीक है तो ट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन या ट्रॉपिन रिलीजिंग फैक्टर जो है ये एक पॉलीपेप्टाइड या ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है सिंपली ये क्या है ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है पॉलिपैपटाइड हार्मोन और इस पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का एक और नाम भी है इसको कॉर्टिको लिबेरिन भी बोलते हैं इट इज आल्सो नोन एज कॉर्टिको लिबेरिन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन नोन एज कॉर्टिको लिबेरिन तो इसको हम कॉर्टिको लिबेरिन भी कहते हैं कॉर्टिको लिबेर तो सिंपली कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है या कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग फैक्टर ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है और इसका एक और नाम है कॉर्टिको लिबेरिन ये पैप्टाइड पॉलीपैप्टाइड हार्मोन तो है और ये एक्ट करता है एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर ये एक्ट करता है एज न्यूरो ट्रांसमीटर और इसकी जो मेन फंक्शन है ये स्टिमुलेट करता है एसीटीएच फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड से एडिनोकॉर्टिको थायराइड हार्मोन जो है एसीटीएच उनको ये क्या करता है ये ACTH को पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टिमुलेट करता है उसकी सेक्रेशंस को तो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है ये ये एंटीरियर ये एंटीरियर पिजिटरी ग्लैंड से एसीटीएच टी एच ए सी टी एच को क्या करता है ये रिलीज कराता है स्टूमुलेट कराता है इसकी सेक्रेशन को और ये एक्ट करता है एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर न्यूरोटर एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर और ये एंटीरियर पिजटरी ग्लैंड से एसी टी एच को रिलीज करता है इसके सेक्रेशन को स्टमलेट करता है अब है यहां पर प्रोलैक्टिन हारमोन प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन एनहेबिटिंग नॉट हार्मोन, एनहेबिटिंग फैक्टर इनहेबिटिंग फैक्टर प्रोलैक्टिन एनहेबिटिंग फैक्टर तो ये प्रोलैक्टिन एनहेबिटेड फैक्टर भी हाइपोथल से ही आता है और ये इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन इन को जो है फॉर प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर इसको इसको बेसिकली डोपामाइन कहते हैं डोपोमाइन ठीक है तो ये रिलीज क्या ये इनहिबिट किसकी रिलीज करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन की कहां से एंटीरियर पिजिटरी ग्लैंड इनहेबिट ये इनहेबिट करता है एंटीरियर पिजिटरी ग्लैंड से किसकी सेक्रेशन को प्रोलैक्टिन हार्मोन की सेक्रेशन को जिसको हार्मोन ठीक है सिंपली प्रोलैक्टिन हार्मोन तो इनहेबिट करता है प्रोलेक्ट इन हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिजिटरी और जो ये ब्रेन में ये जो डोपामाइन है ये एक्ट आल्सो करता है एज न्यूरोट्रांसमीटर और इससे एक्टिवेट हो जाते हैं डोपामाइन रिसेप्टर्स ठीक है तो ब्रेन में क्या करते है? करता है neurotransmitter. Neurotransmitter तो ये एक्ट करता है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर इन ब्रेन ठीक है तो ये एक्ट करता है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन और जिससे डोपामाइन रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं एक्टिवेट हो जाते तो ये तो सारे रिलीजिंग फैक्टर्स या इनहिबिटिंग जो हार्मोन्स है जो हाइपोथेलोन से निकलते हैं तो इसके साथ ही ये कम्प्लीट हो गया